हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेड का सैमसंग कंपनी का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर दे देने के बाद हमारा टीवी पे जो स्क्रीन आ रहा है वो देखिए कैसे आ रहा है, देखिए कैसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इस वाला प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना है वो देखेंगे और पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टीवी को पहले ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखूँगा कहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअली हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा सीआरटी ट्यूब, ये रहा यॉक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है वो जो टीवी का पिक्चर जो तिरछा होके आ रहा है वो वाला प्रॉब्लम कहाँ से होता है दोस्तों, वो हॉरिजेंटल सेक्शन से होता है। हॉरिजेंटल सेक्शन मतलब हमारा जो पीसीबी है, पीसीबी का जो वोल्टेज होता है हॉरिजेंटल वोल्टेज वो लो हो जाएगा तो इसका प्रॉब्लम होगा। और दोस्तों हमारा हॉरिजेंटल कॉइल जो होता है, योक कॉइल पे जो हॉरिजेंटल कॉइल होता है उस पे भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले जो हमारा मेन पीसीबी है, मेन पीसीबी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन ईएसटी को जो सप्लाई दिया जाता है जो वोल्टेज, वो वोल्टेज को अच्छी तरह से पहले चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही पता चल जाएगा हमारा जो हॉरिजेंटल सेक्शन का जो प्रॉब्लम दे रहा है, तिरछा होकर पिक्चर आ रहा है वो वाला प्रॉब्लम जो हमारा मेन पीसीबी से होता है हो रहा है या हमारा योक कॉइल से हो रहा है। क्योंकि योक कॉइल से होगा ऐसे वाला प्रॉब्लम योक कॉइल से भी होता है और हमारा जो हमारा वोल्टेज प्रॉब्लम देगा तो इस वाला प्रॉब्लम होगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग भी हो चुका है। और स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारा मेन वोल्टेज होता है, देखिए वही वाला पिक्चर, हमारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इस पे वोल्टेज कम आ रहा है, जो 88 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन पे कुछ शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम वोल्टेज को बैठा देगा। क्योंकि हॉरिजेंटल सेक्शन पे जो योक कॉइल का कनेक्शन है, योक कॉइल के कनेक्शन पे हॉरिजेंटल सेंस जब तक अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो हमारे ईएसटी पे जो वोल्टेज दिया गया है वो वाला वोल्टेज बैठा देगा। इसीलिए क्या करेंगे, हॉरिजेंटल सेक्शन का जो हमारा कनेक्शन है, ये वाला लाल वाला कनेक्शन को मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इसको फिर से चेक करेंगे, हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम दे रहा है वो वाला वोल्टेज कैसे आएगा वो देख लेंगे। ये वाला वोल्टेज को फिर से चेक करेंगे, जो हमारा 83 आ रहा था वो वाला वोल्टेज देखिए 114 आ चुका है। और हमारा जो हमारे सिस्टम पे योक कॉइल को खोलने के बाद हमारा एक जो अप डाउन का जो अप से डाउन तक हमारा एक ट्यूबलाइट बन जाता है वो वाला देखिए, मतलब वर्टिकल लाइन जो बोला जाता है वो वाला बन गया है। मतलब हमारे योक कॉइल को खोल देने के बाद हमारा जो ये वाला वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था वो वाला वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और इस पे वोल्टेज जो आना चाहिए वो वोल्टेज भी आ चुका है। इस पे हमारा 27 और इस पे हमारा 12 वोल्ट और एक 14 वोल्ट बनेगा, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाएगा। देखिए 14 वोल्ट से 15 वोल्ट बन गया। मतलब क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज बैठा दे रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहाँ से सॉल्व हुआ, हमारे योक कॉइल का जो हॉरिजेंटल सेक्शन पे लाइन आउट किया था वो वाला योक कॉइल को खोल देने के बाद हमारा वाला सिस्टम सॉल्व हो गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा पावर जो हमारा मेन पीसीबी है वो मेन पीसीबी के जो हॉरिजेंटल सेक्शन का वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम रह गया था वो वाला प्रॉब्लम हमारा अब सॉल्व हो गया है। क्योंकि हमारा योक कॉइल ख़राब है इसीलिए ही हमारा तिरछा होकर पिक्चर आ रहा है और हमारा वोल्टेज जो था वो वोल्टेज को बैठा दे रहा था। इसीलिए क्या करना है, एक ये जो योक कॉइल है, योक कॉइल को चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि चेंज करना ज़रूरी है, इसको खोल के दिखाता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्यों ये ख़राब हुआ है। इसको जो आप ये शो करेंगे तो शो करेगा, हल्का सा शो करेगा, लेकिन इस पे जो खराबी है वो खराबी कहाँ पे है वो देखने के लिए योक कॉइल को खोल लेते हैं। दोस्तों मैंने योक कॉइल को खोल चुका हूँ। योक कॉइल को खोलने के बाद ये रहा हमारा योक कॉइल, और इस योक कॉइल का प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए पहले तो मैं ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन का जो कॉइल होता है, कॉइल को मैं जो कॉन्टिन्यूटी होता है कॉन्टिन्यूटी पर चेक करूँगा। देखिए हमारा बाजार बाज रहा है, मतलब कॉइल सही है, कॉइल कनेक्टेड है, लेकिन इस पर शो कर रहा है 8 ओम्स से 10 ओम्स शो कर रहा है, 11 वो शो कर रहा है। और इस पे मैं वर्टिकल को चेक कर लेता हूँ, जो भी वर्टिकल का प्रॉब्लम नहीं है फिर भी चेक कर लेता हूँ।
ये देखिए वर्टिकल पे 16 ओम्स दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन पे जो कॉयल है वो कॉयल हमारा 8 ओम्स तक शो कर रहा है। और उसके बाद जब मैं इसको अंदर से देखा तो पता चल गया हमारा अंदर से खराबी है, जल गया है। देखिए ये कॉयल अंदर से जल के शॉर्टेज हो गया है और इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है, जो हमारा तिरछा होकर पिक्चर आ रहा है। अप डाउन तो पिक्चर सही है लेकिन लेफ्ट राइट का जो पिक्चर है वो हमारा तिरछा होकर पिक्चर आ रहा है और हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और मैग्नेटिंग जो हमारा कलर शेडो होता है, कलर शेडो आ गया है। और देखिए और एक जल इस पर भी जला हुआ है, ये भी जला हुआ है और अंदर से भी जला हुआ है, मतलब ये वाला योक कॉइल ख़राब हो चुका है। इसको रिप्लेस करेंगे और एक योक लेंगे जो हमारे पास था, ये वाला योक कॉइल, और योक कॉइल को लेके इस पर भी चेक करेंगे। और अंदर से देखिए ये पूरी तरह से क्लियर है, ये थोड़ा सा जो कार्बन पड़ गया है इसीलिए काला हो गया है। और उसके बाद इसको चेक करेंगे हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन पे जो 8 ओम्स बता रहा था ये कितना ओम्स बताता है। तीसरा नंबर पिन देखिए इस पे भी 8 ओम्स 7 ओम्स बता रहा है, उस पे 8 ओम्स बता रहा था, 11 ओम्स तक चला गया था लेकिन इस पे 7 ओम्स बता रहा है। उसके बाद वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे, वर्टिकल सेक्शन चेक करना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर से चेक करता हूँ। देखिए इसे 15-16 ओम्स बता रहा है, मतलब क्या हुआ उस पे ओम्स इस पे ओम्स करीब करीब है लेकिन इस पे जला हुआ है, इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। और इस पे नहीं जला हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा पिक्चर जो हमारा तिरछा होके आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने जो पुराना वाला योक था योक को चेंज कर दिया हूँ, और चेंज करके मेरा पास जो रेडी योक था वो रेडी योक का मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट करने के बाद इस पर फिर से चेक करेंगे, मैं पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद हमारा देखेंगे पिक्चर कैसे आ रहा है। और देखिए ये पूरी तरह से पिक्चर आ चुका है, मतलब क्या हुआ जो आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा आ रहा था जो योक कॉइल हमारा ख़राब हो जाने से ही, इसीलिए हमारा थोड़ा सा अंदर से जो पिक्चर था वो पिक्चर थोड़ा सा काट गया था। और अब जो लेफ्ट राइट का पिक्चर होता है पिक्चर हमारा लेफ्ट राइट पे काट गया था, और अप डाउन का पिक्चर सही था इसीलिए वर्टिकल सेक्शन का पिक्चर सही था। अब जो लेफ्ट राइट का पिक्चर शॉर्टेज हो गया था इसीलिए मेरा जो हॉरिजेंटल सेक्शन का कॉयल है हॉरिजेंटल सेक्शन का कॉयल ख़राब हो गया था, इसीलिए ये वाला तिरछा होकर पिक्चर आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम हमारे योक कॉयल को चेंज कर देने से हमारा सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।